Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, good evening. भाइयों और सहेलियों, मैं आज जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, फिर भी नाम लेना ज़रूरी है, इस काम कैसा चलेगा. तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ यामाहा सैल्यूटो आरएक्स. और इनफैक्ट मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ इसकी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट से. इनफैक्ट ये जो इसका टारगेट ऑडियंस है, जो लोग इसको ऐसी बाइक्स को लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह होती है कि नाम है कि भाई एक लीटर में कितना चलेगी. तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 100 ml मैंने इसके अंदर पेट्रोल डाला है और टंकी से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है. इससे इसको रखा है ये यहाँ पर, ये देखिए, ये इसको लगा दिया है. इसकी मीटर रीडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, 87660, 8766, 8766. एक बार दोबारा देख लिए, 100 ml डॉट पेट्रोल डाला है इसके अंदर, 100 ml पेट्रोल डाला है, 100 ml. तो 100 ml में अगर ये 5 किलोमीटर चलती है तो यानी कि इसकी एवरेज हो गई 50, 6 चलती है तो 60, 7 चलती है तो 70, 8 चलती है तो 80, 9 चलती है तो 90. कंपनी बोलती है क्या नाम है कि एक बार मैं चेक कर लूँ, चल भी रहा है, चल रहा है, चल रहा है. तो कंपनी बोलती है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस 82 की. और वैसे इसने मुझे, मैं इसको काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, इनफैक्ट आज ये वापस करने जा रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद, इसने मुझे अगर आप इसको 60 से ऊपर मतलब भगाते हैं आप, 60, 70, 80, 90 ले जाते हैं, फिर तो ये आपको देगी 60 से 65 के बीच में. और अगर आप इसको 60 किलोमीटर पर आर उससे नीचे रखते हैं, 40-50-60 पे चलाते हैं और अब पहले दूसरे तीसरे गियर में ज़्यादा भगाते नहीं हैं, तो इसने मुझे सबसे अच्छा जो अभी तक एवरेज दिया है वो 85.7, यानी कि ऑलमोस्ट 86 किलोमीटर पर लीटर. ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है, 86 दिया है इसने मुझे, एक बार इसने मुझे 82 भी दिया है, एक बार 83 कुछ दिया है, मुझे दूसरा फिगर याद नहीं है, 83.3 या 83.4, मतलब यह है कि 82 भी दिया है, 83 भी दिया है, 86 भी दिया है, पर 70 से ऊपर तो ये देती देती है अगर इसको आप आराम से चलाते हैं. तो चलिए बातें बहुत हो गई, एक बार अब इसको देख ही लेते हैं कि आज कितना देती है ये. तो 8766, ट्रैफिक बहुत है, के बाद मैं क्या करूंगा, इसका इसको टंकी से कनेक्ट करके पेट्रोल बंद करके इसका कार्बोरेटर का पेट्रोल भी सुखाऊंगा और ये देखूंगा कि उसमें कितने किलोमीटर कितनी दूर चली है और उसको माइनस कर देंगे. अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब अभी हमने खाली रोड पे चला लिया, आगे शायद हमें थोड़ा ट्रैफिक मिले, तो जो एक वर्ड है, लव्स है, एवरेज, तो एक एवरेज निकल कर आ जाएगी आपके सामने कि आपको हमेशा खाली रोड नहीं मिलेगा, हमेशा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आप इसको
मिस ट्रैफिक में चलाएंगे। तो 4 किलोमीटर चल चुकी है ये, अभी देखते हैं और कितना चलेगी। हाँ हाँ सर चल रहे हैं, पता है हमें ग्रीन हो गई है, चल रहे हैं सब। तो ओके, अभी ये चल चुकी है 6 किलोमीटर, यानी कि 60 तो है, अब देखते हैं और कितना। ये बाइक आप स्प्लेंडर के ऊपर क्यों लेंगे? स्प्लेंडर के ऊपर आप इसलिए लेंगे क्योंकि एवरेज उससे बेहतर है। जी हाँ, मैंने स्प्लेंडर वालों से पूछा, उनकी गाड़ी 60-62, किसी ने तो 50-55 भी बोला, पर मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ वो गलत चलाते हैं। देखिए एवरेज अल्टीमेटली हर बाइक का आपके सीधे हाथ में है, ये है आपका एवरेज का यंत्र कंट्रोल करने का। तो पर ज़्यादातर जो लोग प्यार से चलाते हैं वो कहते हैं, क्या नाम है, कि भाई देखिए हमें मिलता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, हमें मिलता है एवरेज 60-65 के बीच में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरे को 70 के ऊपर तो देती ही देती है, और आप प्यार से चलाएंगे तो 75-80 तक खींच सकते हैं। इनफैक्ट ये पहली ऐसी मोटरसाइकिल टेस्ट कर रहा हूँ, नहीं एक्चुअली बड़ी बाइक में भी ऐसा हुआ है कि कंपनी ने करा है एक्स किलोमीटर पर लीटर, और मेरे को मोटरसाइकिल ने उससे ज़्यादा दिया है। पर इंडियन बाइक्स की बात करूँ, कम्यूटर बाइक्स की बात करूँ, तो ऐसा पहली बार हुआ है। 82 कंपनी क्लेम कर रही है और मुझे दिया है इसने सबसे अच्छा अभी तक का 86 और 83 भी दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिस जाते में और आते में, मैंने कोई ऐसा वाला स्पेशल टेस्ट रन नहीं करा उस फिगर को अचीव करने के लिए, आज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। पर थैंकफुली अब आपको अब ये ट्रैफिक भी मिल गया है हमें, तो रेड लाइट पे भी हम खड़े हुए, और तो यानी कि आपको एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। तो ये चल गई है अब कितना, 8766 था, यानी कि 7 किलोमीटर चल गई है, 70 का एवरेज तो बिल्कुल है। ये देखिए मैंने पैर नहीं टेके अभी तक, एक 135 सेकेंड की रेड लाइट है ये, इसको बंद कर देते हैं अभी। और ये आ गया है हमारा यामाहा का शोरूम, पर मैं अभी नहीं दूंगा इनको, अभी मेरी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है। और ये 8775 ऑल राइट, ये 10 किलोमीटर चली है, 10 किलोमीटर, यानी कि इसने 100 ml में हमें ओके, देखिए ये 9 आ गया, और इसको मैं थोड़ा आगे धकेलता हूँ, मतलब ये 9 के बाद ये सीधा 0 होगा और ये 6 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि शुरू में 4 किलोमीटर हमने इसको बिल्कुल खाली चलाया, और उसके बाद इसको खाली चलाने के बाद हमें ट्रैफिक मिला,
हमें ट्रैफिक मिला, हम रेड लाइट पे भी खड़े हुए और अब ये बंद हो गई। पर अब मैं क्या करूँगा, इसको टंकी से कनेक्ट करूँगा, इसका कार्बोरेटर भरूँगा और ये देखूँगा ये और कितना चलती है, वो माइनस कर दूँगा। क्योंकि अभी तो 100 ml में अगर ये 10 किलोमीटर चली है, अगर क्या चली है, बिल्कुल चली है, तो 87759 ये 10 होगा, तो ये 8776 हो जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर से थोड़ी सी कम, यानी कि इसने ऑलमोस्ट हमें 100 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया है, जो कि फिनोमिनल है। पर उसमें से हम माइनस करेंगे जितना ये कार्बोरेटर भर के चलेगी। तो फटाफट इसको निकालते हैं। अच्छा देखिए, इसमें भी थोड़ा ये पेट्रोल है पाइप के अंदर। ये निकाला हमने और ये देखिए पेट्रोल था इसके अंदर। तो भैया 100 का एवरेज, पेट्रोल में ये मैंने खोल दिया, ठीक है। जितनी देर में अब मैं इसको ये रखूँगा, उतनी देर में कार्बोरेटर बढ़ जाएगा, तब तक आप इसका वॉक अराउंड देख लीजिए। मैं एक बार इसको स्टार्ट करूंगा इनफैक्ट पहले, क्योंकि देखिए अभी ये स्टार्ट हो गई। अब मैं इसको बंद कर दिया मैंने, ये देखिए बंद कर दिया। 8776 मानेंगे इसको हम। यहाँ से मैं यू टर्न मार लेता हूँ, आधा किलोमीटर तो चलनी चाहिए। इनफैक्ट आधा किलोमीटर चल गई, आधा किलोमीटर चल गई है। क्योंकि 9 था और देखिए अब ये 5 आ गया है, आधे किलोमीटर से ज़्यादा चल गई है। ओके अब बंद हो रही है। ऑलराइट,
बंद। तो ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चल गई है, ऑलमोस्ट। कार्बोरेटर में जितना पेट्रोल था उसमें ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चली है। तो किलोमीटर जो ये चली थी उसमें से आप 1 किलोमीटर हटा दिए, मतलब वहाँ पर, यहाँ पर भी देखिए 1 किलोमीटर में 1 पॉइंट कम है, इनफैक्ट हाँ 1 किलोमीटर में 1 पॉइंट कम है। तो 1 किलोमीटर से बस 1 पॉइंट कम चली है ये, आप ये कह सकते हैं, क्या नाम है कि 9000 मीटर नहीं 900 मीटर चली है, ठीक है। और तो अब इस मोटा मोटा इसको हमें 1 किलोमीटर मान लेते हैं, तो फिर एक इसको माइनस कर देंगे हम, तो यानी कि 10 किलोमीटर जो ये चली है 100 ml के अंदर, उसमें से 1 किलोमीटर माइनस कर दिए यानी कि 9 किलोमीटर, यानी कि 90 की एवरेज दी है इसने हमें, 1 लीटर में 90 की एवरेज। मतलब लास्ट जो मुझे सबसे अच्छी एवरेज मिली थी वो 86 मिली थी, और अब जो मिली है जिसमें से आधा रास्ता बहुत खाली, बिल्कुल हमें खाली मिला, आधा रास्ता हमें ट्रैफिक मिला, हम रेड लाइट पे भी खड़े हुए, तो 90 किलोमीटर की एवरेज, यानी कि आप ये लगा लिए क्या नाम है कि रोज़मर्रा में आपको 70-75 से तो ऊपर मिलेगी अगर आप तमीज़ से चलाते हैं, 40-50 पे चलाते हैं आप, 40-50 पे चलाइए इसको, और 40-50 पे आप चलाइए, और 40-50 पे आप चलाएंगे इसको तो आपको पूरी पूरी इसके अंदर जो है 40-50 आप इसको देखिए, इन्होंने ग्रीन भी दे रखा है, 30-35-40-45-30-50 के अंदर इसका ग्रीन जोन है। तो अगर आप इसको इस ग्रीन जोन में रखते हैं तो आपको अच्छी एवरेज मिलेगी 30-40, तो इनफैक्ट 30-40, मैं 20-40 भी नहीं रखा, मैंने 40-50 के बीच में रखा है, और मैं 50 इनफैक्ट 40-60 के बीच में रखा है, तो 70 से ऊपर मिली है। तो अगर आप 40-50 के बीच में रखेंगे तो शायद आप भी 75-85 के बीच में निकाल सकते हैं। ओ सैल्यूटो आरएक्स, चलिए मैं इनसे पूछता हूँ अब। भैया एवरेज कितना दे रही है तेरी गाड़ी? 65-70 दे रही है। चलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ।